इंदौर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते हुए चार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, जिनके पास से धारदार हथियार बरामद किए गए थे। दो आरोपी फरार थे। फरार आरोपी में अर्जुन पिता देवकरण को कल पुलिस ने पकड़ा था, वहीं आज अर्जुन की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की हिरासत में मारपीट के दौरान अर्जुन की मौत हुई है। इंदौर जिले के मानपुर में पुलिस कस्टडी में एक बदमाश की मौत का मामला सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में एसपी ने 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। वहीं पर पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश भी हो गए हैं। दरअसल मानपुर पुलिस द्वारा शुक्रवार को खुलासा करते हुए बताया था कि पुलिस ने गुरुवार देर रात लेबर रोड पर एहसास पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दो आरोपी फरार हैं। फरार आरोपी अर्जुन को कल शाम पुलिस ने पकड़ा, वहीं आज सुबह अर्जुन की मौत की खबर सामने आई है। परिजनों ने थाने पर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया है कि पुलिस की मारपीट से अर्जुन की मौत हुई है। वहीं पर परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस जब अर्जुन को पकड़कर उनके घर लेकर आई थी, तब परिजनों के साथ भी मारपीट की गई थी और साथ ही में अर्जुन की मौत की सूचना लगते ही बड़ी संख्या में परिजन मानपुर थाने पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। अर्जुन के अचानक मौत के बाद में भारी पुलिस बल मानपुर थाने पर तैनात किया गया है। वहीं पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले में जांच की जा रही है। एसपी भगत सिंह विरदे के मुताबिक आरोपी के देर रात गिरफ्तार करने के बाद सुबह पिस्टल रिकवरी के लिए पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा था, जिसकी रास्ते में तबीयत खराब होने पर मानपुर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए MYH अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं SP बीरदे ने बताया है कि 5 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया है। वहीं मामले की जाँच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सुबह 10 बजे कल ला कर उसको पेश किया कि भैया इसे अपराधी नहीं है, तो हम पेश कर रहे हैं खुद माँ बाप आके, हमने पेश करा। उसके बाद उसने बोला कि चलो ठीक है, तो हमको जाने का बाद 10 बजे के बाद में उसको दिन में भी मारा, और उससे जो अपराधी था उनसे भी मार दिलाया, उनने भी मारा। उसके बाद में आए, मेरे को बुलाया कि मम्मी तू आ जा, बोला तो मैं इनके घर पे काम कर रही थी, तो मेरे बोला फ़ोन आया तुम्हारा, तो मैं गई वहाँ पर, मैं इनके टीआई साहब मेरे को मिलने दो बच्चे से, तो बोला हाँ मिल लो। वहाँ गई तो बोला मम्मी मेरे को मार देंगे, मैंने क्यों, तो बोला पैसे मांग रहे 8,000 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करूँ इनसे भैया से, तो बात करने का बाद में मैंने तेरे को बताऊँ इनको बात करूँ, तो वो क्या बोल रहे थानेदार लिखने वाले है, उसका क्या नाम मेरे को नाम नहीं पता है, वो बोल रहा है कि बोला तेरा छोरा बोले 12 पिस्तौल चोरी करा है बोले, और बोले कि डाकैतरी में है। तो मैंने कहा साहब ये तुम्हारा मन से जोड़ रहे हो, तुम मेरा छोरा कोई डाकैतरी में नहीं है, मेरे पास रहता है ये मेरा छोरा, मेरे को सब पता है, मेरे घर पर जाओ मशीन लेकर चेक कर आओ, सब ढूंढाला करके आओ, मेरे घर पर कुछ मिल जाए तो मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, इसके बदले मैं मार खाऊँगा, ऐसा करके मैंने बोला। तो इसके बाद बोला कोई नहीं, मेरे को समझाता रहा पुलिस वाले, मारने वाले मारता रहे मेरे को समझाता रहा, बोला कि नहीं मारे मम्मी, नहीं मारे भाई, अम्मा नहीं मारे, घर पर जाओ, मेरी आत्मा नहीं गवा दी। इसके बाद मैं घर पर गई 11 बजे फिक्स है, 2 बजे फिक्स है, और रात को मारता मारता मेरे घर तक ले गया, फिल्टर पंप पर मारा, पाँव वो बेहोश हो गया था, चौकीदार से पानी पिलवाया इसको, फिर वहीं से मारते मारते लाए, और 3 बजे हम फिक्स थाने पे थे। जब मैंने वहाँ जा कर मैंने मिला, मैंने क्योंकि मेरे से मिला दो, मोटियाई को बोला मेरे से मिला दो मेरे बच्चे को, तो वहीं मैं मिलने गई तो मेरे सामने ऐसा कालम खड़ा करके इसको पकड़ाया, पीछे से भपा भप भपा भप दिए, अम्मा जब तक तू खड़ी रहे जब तक, बोले कि इसको मारते ही रहेंगे मारते ही रहेंगे। फिक्स में तीन मार रहे थे, क्या नाम है? अरे वो क्या बताया उनको, हाँ पुलिस वाला, वो थाने पे जो लिखा पढ़ी करता रिपोर्ट डालता है, अरे कई नाम बताया तो भाई, मगर नाम हाँ भर्ती पे रखी थी नहीं, हाँ ना। इसके बाद मैं घर पर गई, घर पर जाने के बाद मेरे को नींद नहीं आई, सुबह माई से जो मारने वाला जो जाट है उसका नाम अच्छा कही नाम उनको पहचान लोगे अगर? हाँ बिल्कुल पहचान लूंगा, एक तो गजराज है, वो लिखा पढ़ी करने वाला अर्जुन नामक युवक जो है, ये 499 394 अपराधों में ये आरोपी था। कल पुलिस ने इसको अभी रक्षा में लिया था, क्योंकि इससे जो है सर वेपन जब्त करना था, पुलिस इसको लेके गई थी, पूछताछ कर रही थी, वेपन जब जा रही थी तो इसकी तबीयत खराब हुई, इसको मानपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जहाँ इसकी मृत्यु हो गई, इसके सबको MY में भेजा है। न्यायिक जाँच के आदेश हो गए हैं, माननीय DJ सर ने न्यायिक जाँच के आदेश कर दिए हैं, जो भी न्याय जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रारंभिक रूप से 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है,
बाकी जांच चल रही है। एक उप निरीक्षक कमल उइके है, एक कोई वर्मा है और एक निर्भय सिंह है और दो आरक्षक। जो भी अब न्यायिक जांच में आ जाएगा सबके खिलाफ कार्रवाई। चार नाम तो सर है, एक नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक कोई वर्मा है, कोई नहीं वर्मा तो है, एक निर्भय सिंह है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि मारपीट के कारण, अब वो तो पीएम हो रहा है, टीम से पीएम कर रहे हैं और न्यायिक जांच में जो भी आ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। थैंक यू।